आपको बता दें, जिले के थाना कोतवाली हाथरस गेट के क्षेत्र में लगातार मंडी समिति से अनाज लेकर जाने वाले वाहनों की लूट होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। घटनाओं पर रोकथाम लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा ने जिले के समस्त थाना के प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्रों में संघन चेकिंग अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया। 14 अक्टूबर की शाम को थाना कोतवाली हाथरस गेट पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के NH 93 स्थित SKJ मेटल्स कंपनी रोहेरी के पास झाड़ियों में कुछ संदिग्ध अपराधी छुपे हुए हैं। मुखबिर से मिली सूचना पर थाना कोतवाली हाथरस गेट पुलिस और SOG की टीम ने दबिश देकर मौके से सोनू पुत्र जगदीप सिंह, सुनील पुत्र रुमाल, मनीष पुत्र नवत धोबी, निवासी गण अवहरणपुर थाना हाथरस गेट, जनपद हाथरस अंकित पुत्र पदम शर्मा निवासी न्यू रामनगर कॉलोनी थाना सदर कोतवाली जनपद हाथरस के साथ सोनवीर पुत्र साहब सिंह निवासी रदोई थाना बलदेव जनपद मथुरा सहित 5 सातर बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 4 अवैध तमंचे और 10 कारतूस बरामद किए गए। वहीं मौके से 4 अन्य सातर बदमाश भागने में सफल रहे। पुलिस गिरफ्त में आए 5 सातर बदमाशों से जब थाना पुलिस और SOG टीम ने कड़ाई से पूछताछ की तो 5 सातर बदमाशों ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर हाथरस मंडी समिति से अनाज लेकर जाने वाले वाहनों की लूट करते थे। हमारी एक टीम हाईवे पर अनाज लेकर जाने वाले वाहनों का पीछे से तिरपाल काटकर अनाज को गिरा दिया करती थी। उसके बाद दूसरी टीम ट्रक चालक को सड़क पर गिरे अनाज की जानकारी देती थी। जैसे ही चालक ट्रक को रोकता था, उसी समय हम लोग हथियारों के बल पर चालक को बंधक बनाकर अनाज सहित ट्रक को लूट लिया करते थे। पुलिस क्षेत्र अधिकारी प्रदीप कुमार ने सात लुटेरे गिरोह का खुलासा करते हुए 5 सात लुटेरों को जेल भेज दिया। जनपद हाथरस में कप्तान साहब SSP महोदय के नेतृत्व में अपराधों की रोकथाम के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस चेकिंग अभियान के दौरान ही 14 अक्टूबर की पिछले 14 अक्टूबर को सघन चेकिंग के दौरान ही आपका श्री मुन्ना लाल जी SI, श्री हरिश्चंद जी और SI सुधीर राघव जी SOG प्रभारी ये चेकिंग में मामूर थे। उसी समय इनको सूचना मिलती है कि SKG मेटल कंपनी रोहेरी के पास में कुछ लोग झाड़ियों में छुपे हुए हैं और लूट और चोरी की घटना को अंजाम देने की फिराक में है, इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। जब वहां पर जाकर देखा गया और इनको अभियुक्तगणों को पकड़ा गया तो ये 5 अभियुक्तगण पकड़ में आए हैं, जिनके पास से 4 .315 बोर के तमंचे भी बरामद हुए हैं। और जब उनसे सघन पूछताछ की गई तो उन्होंने 4 अन्य अभियुक्तों का भी नाम लिया था। इन्होंने बताया है कि ये मंडी से जो ट्रक निकलते हैं अनाजों के, इनका ये पीछा करते हुए जाते थे मोटरसाइकिलों से और एक कार को लेके चलते थे। ये मोटरसाइकिलों से चलते हुए ही उस ट्रक में पीछे से चढ़ जाते थे और रस्सी काट के बोरों को गिरने देते थे। इसकी बाद में ये पीछे से आती हुई अन्य मोटरसाइकिल सूचना देती थी कि आपके बोरे गिर रहे हैं, तो ड्राइवर को वो ट्रक रोकना पड़ जाता था। जिस समय वो रोकता था उसी समय कार और मोटरसाइकिल वाले सभी लोग इकट्ठे या अभियुक्तगण इकट्ठे हो जाते थे और ट्रक और उसके परिचालक को बंधक बना लेते थे और ट्रक को लूट ले जाते थे। ये इनके करने की कार्यप्रणाली थी।